अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो टॉपिक आज एक्सप्लेन मैंने करना जी, वो टॉपिक आपके सामने है जी, सीआरओ। सीआरओ स्टैंड फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अच्छा, कैथोड का क्या मतलब है जी? कैथोड का मतलब है नेगेटिव, रे का मतलब है जी आपके पास बीम्स, और बेसिकली ऑसिलोस्कोप का पर्पस क्या है? ऑसिलोस्कोप कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू वेव फॉर्म। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डेली लाइफ से। आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका टीवी मॉनिटर, फिर उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल जाएं तो जो पेशेंट क्रिटिकल होते हैं उनके बेड के पास उन्होंने एक मशीन लगाई होती है और उसके ऊपर हार्ट बीट शो हो रही होती है। वो बेसिकली वो जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, वो जो स्क्रीन है जिसके ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है, वो आपका सीआरओ है। तो उसको पेशेंट के हार्ट के पास जो उनसे वो सेंसर्स लगाते हैं जो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिग्नल सीआरओ में फीड किया जाता है। उससे फिर वो उसको मॉनिटर करते हैं, उसके हार्ट बीट क्या है, उसके पल्स रेट क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिर आपके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर आती हैं। हमारे सिलेबस से रिलेटेड सीआरओ का बड़ा सिंपल डिज़ाइन आपके सामने है। इसके भी हमने चार कंट्रोल डिस्कस करने हैं, वाई गेन, वाई शिफ्ट, एक्स शिफ्ट एंड टाइम बेस। पहले इन दो कंट्रोल की बात करते हैं जी, वाई शिफ्ट और एक्स शिफ्ट की। ये काम कैसे करते हैं? ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बेसिकली सारा ग्राफ है, और ग्राफ के साथ आपके पास स्केल भी गिवन है। स्केल कहाँ पे गिवन है वो भी देखते हैं, इसका पर्पस क्या है जी। लेट्स सपोज कि ये वेव यहाँ पे गिवन है और उसने कहा जी कि बाय यूजिंग विच कंट्रोल आप इस वेव को मूव करके जो उनसे है वो लेके आओगे यहाँ पर सेंटर में। तो ऑब्वियसली पहले मैं यहाँ तो एक्स शिफ्ट से इसको मूव करवाऊंगा टू वर्ड्स लेफ्ट, और फिर मैं वाई शिफ्ट वाली नॉब मूव करवाऊंगा। या मैं ये काम कर सकता हूँ कि पहले मैं वाई शिफ्ट से इसको मूव करवा लूँ और फिर एक्स शिफ्ट से। वाई शिफ्ट की ये नॉब है, इसको मैं मूव करवाऊंगा लेफ्ट साइड पे तो मेरी वेव मूव करेगी जी अपर डायरेक्शन में, राइट साइड पे मूव करवाऊंगा तो वेव मेरी जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे जी एक्स शिफ्ट आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो एक्स शिफ्ट में अगर मैं इस नॉब को मूव करवाता हूँ टूवर्ड्स राइट तो सिग्नल मेरा मूव करेगा स्क्रीन के राइट साइड पे, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और अगर मैं इसको मूव करता हूँ टूवर्ड्स लेफ्ट तो सिग्नल मेरा मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो पहली चीज जो इसमें जो चार कंट्रोल हैं, उन चारों कंट्रोल में से दो कंट्रोल हमने डिस्कस कर ली हैं, बाकी अब आगे चलते हैं जी। इसका यार पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपके पास सिलेबस में आता है, ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब इन डिटेल इसका स्ट्रक्चर नहीं आता, इसमें जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिलामेंट, व्हाई वी विल यूज द एनोड एंड हाउ कैन वी डिफ्लेक्ट द बीम्स इन अपर डायरेक्शन ऑन द सीआरओ एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सीआरओ। तो पहले इसका स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस से रिलेटेड होता था, सो अब हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि आप इलेक्ट्रॉन बीम को बेंड कैसे करते हैं वो अब देखते हैं जी। इसका पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्टेट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन अ सीआरओ। ये बड़ा इसका कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसका बड़ा सिंपल आंसर थी बाय यूजिंग द थर्मियानिक एमिशन, व्हेन वी विल हीट अप द फिलामेंट देन इट विल एमिट द इलेक्ट्रॉन्स। That is a very simple answer which is required in this question. So CRO में सबसे पहला question ही आपका ये आता है कि आप electron produce कैसे करते हैं। So by heating the filament, hot filament will emit the electron which is called as the thermionic emission. Simple answer. और इसके लिए बड़ी voltage, ये सिर्फ आपकी information के लिए लिखी है जी, कि ये आपके पास जो supply है 6 वोल्ट और 0.3 एम्पीयर, ये यहाँ पे ये जो फिलामेंट के साथ यहाँ पे अटैच है ये, तो इस फिलामेंट को हीटअप करने के लिए आप चेंज कर सकते हैं इसके
पोलैरिटीज अगर चेंज कर दें व्हाट विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा, फिलामेंट ने क्या हीटअप होना ही होना है। आप खरबूजे के ऊपर छुरी गिरा दें या छुरी के ऊपर खरबूजा गिरा दें, कटना खरबूजा ही है, सीधी सी बात है। तो आप इस पावर सप्लाई के टर्मिनल चेंज कर दें, पॉजिटिव नीचे कर दें, नेगेटिव ऊपर कर दें, इस फिलामेंट ने हीटअप होके इसने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना ही करना है। लेकिन यार अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को कर तो दिया जी। अब सेकंड क्वेश्चन ये, यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे आपके पास ये क्लाउड आ गया, इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक नहीं पहुँच पा रहे, ये स्क्रीन है आपके पास, ये वाली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्लाउड की फॉर्म में थे, मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेस की फॉर्म में या बीम्स की फॉर्म में, और मैं ये चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूटी से स्क्रीन को जाके हिट करें, क्योंकि ये जाके स्क्रीन को हिट करेंगे, स्क्रीन ग्लो करेगी, ग्लो करने से हमें इसका इमेज मिलेगा जो भी सिग्नल हमने प्रोवाइड किया। सो हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इनसाइड द ट्यूब, या इसका दूसरा पार्ट आता है जी, एक्सप्लेन दैट टू कॉज अ कंटिन्यूस फ्लो। ये भी पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है जी कि कंटिन्यूस फ्लो कैसे इंश्योर करेंगे। तो इसका नंबर वन कि एक तो आप हाई पॉजिटिव एनोड प्रोवाइड कर दें, और दूसरा वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर यूज कर लें, एवैक्यूएटेड या लो प्रेशर वैक्यूम ट्यूब इसको आप बना लें, इसमें से एयर आप जो विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप इसमें से सक कर लें। सो जहां पे आप देखेंगे आपके पास है एनोड, एनोड यूजली आपका जो है वो किलो वोल्ट्स में होता है, 1000 में, 3000, 4000, 5000। सो अब इसकी डायग्राम देखते हैं जी, ये यहाँ पे आपके पास आ गई। सो पहला पॉइंट वही कि थर्मियानी के मिशन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी हाई पॉजिटिव एनोड, ये भी एनोड है यहाँ पे, ये भी एनोड है। सो ये दोनों पॉजिटिव एनोड इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से अट्रैक्ट करेंगे, सो दे विल कन्वर्ट इन टू बीम्स। तो पहले ये यहां पे किस फॉर्म में थे, दे वर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, वहां पे एक जगह पे वो क्राउडेड थे, बट विद द हेल्प ऑफ द एनोड दे विल कन्वर्ट इनटू द बीम। और वैक्यूम क्यों इसके अंदर रखा जाएगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ वैक्यूम, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्ट्राइक विद द एयर पार्टिकल एंड चेंज देयर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट hit with air particles, and change their direction, क्योंकि अगर direction change होगी तो वो अपने target यानी screen तक नहीं पहुंच पाएंगे, particles and change their direction। तो ये बहुत ज्यादा यार जरूरी चीज है, तो इस tube में continuity को इंश्योर करने के लिए पॉजिटिव एनोड यूज किया जाएगा, हाई पॉजिटिव एनोड, और सेकंड एवैक्यूएटेड ट्यूब। अब यार इलेक्ट्रॉन बीम तो मेरे पास प्रोड्यूस हो गई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीम मेरी ऊपर कैसे जाएगी, इस डायरेक्शन में कैसे मूव करके जाएगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे आएगी। अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सिलेबस में बिल्कुल लिखा हुआ, बड़ा क्लियर लिखा हुआ जी, कि डिफ्लेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपने जो उनसे वो इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखें दो पैरेलल प्लेट्स यूज की गई हैं, इसका ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, नीचे वाला टर्मिनल इसका नेगेटिव है, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, व्हाट विल हैपन देन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज बेसिकली किस तरह मूव करना शुरू करेंगे, अपर डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, इस तरह आपके पास जो स्क्रीन का ऊपर वाला हिस्सा ना, इट विल गेट एलिमिनेटेड, यह एलिमिनेट होता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बीम ज्यादा बेंड होके ऊपर जाए तो फिर क्या करें, तो फिर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, दैट इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल, इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सी आर ओ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पास्ट पेपर में देखिएगा, इसका एक सेशन में पास्ट पेपर के क्वेश्चन से रिलेटेड भी रखूंगा। फिर सेकंड आपके पास आता है जी डिफ्लेक्शन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इसको मूव करवा दिया जी टू वर्ड्स अपसाइड, लेकिन यहां पे अगर आप देखें
तो स्क्रीन को आपने इल्यूमिनेट कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, ताकि टीवी की पूरी स्क्रीन आपको ग्लो करती हुई नजर आए, या जो मॉनिटर आपके पास चल रहा है वो उसमें आपके पास एक्सिस जैसे वाई एक्सिस के ऊपर हार्ट बीट चलती जाए, और जब हार्ट बीट सीधी होगी तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि उसको आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा। जब सिग्नल नहीं मिलेगा तो बस समझ लें कि वो पेशेंट हो गया जी, प्यारा अल्लाह को प्यारा। सो इसको डिफ्लेक्ट करना है जी, डिफ्लेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन बीम विल बेंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, और वो नॉर्थ पोल की तरह बेंड होगा। तो ये रूल अप्लाई करके देख लीजिएगा जी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो डिफ्लेक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टू वर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टू वर्ड्स द नॉर्थ पोल। अब आते हैं जी इसका बी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब द यूज ऑफ एन ऑसिलोस्कोप टू डिस्प्ले वेवफॉर्म एंड टू मेजर पीडी एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी दो चीजें मेजर कर सकते हैं इससे, एक तो आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हो और दूसरा टाइम पीरियड, और तीसरा यार टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं कि आपने सिग्नल जो अप्लाई किया और फ्रीक्वेंसी हमेशा कौन से सिग्नल की होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती आपके पास। अब आपके पास ये डायग्राम गिवन है जी, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास दो कंट्रोल हम ऑलरेडी कर चुके थे, वाई शिफ्ट कर चुके थे, एक्स शिफ्ट कर चुके थे। अच्छा, अब ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये सारा आपके पास क्या गिवन है, ग्राफ, ये इसका स्केल है वाई एक्सिस का, इसको कहते हैं वाई गेन। सो वाई गेन से आपको बेसिकली क्या मिलता है जी, वाई गेन से आपको मिलता है वोल्टेज, और वोल्टेज हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसकी रीडिंग देखें। इसका स्केल आपके पास गिवन है वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी एक बॉक्स आपका इस ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस में, ये वाला एक बॉक्स आपका कितने वोल्ट पर सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा वो ये नॉब डिसाइड करेगी। यहाँ पे आपके पास ये नॉब की वैल्यू कहाँ पे रखी गई है, फाइव के ऊपर। अब आपने काम क्या करना है जी, रीडिंग लेते हुए आपने देखना जी कि ये एम्पलीट्यूड कितने बॉक्सेस में आ रहा है, आप एम्पलीट्यूड इसका चेक कर लें कितने बॉक्सेस में है। इसका एम्पलीट्यूड आपके पास तीन बॉक्सेस में, बॉक्स नंबर वन, बॉक्स नंबर टू एंड बॉक्स नंबर थ्री। सो इट मीन्स के ये 3 सेंटीमीटर है। तो यार हमने जो इसका स्केल सेलेक्ट किया था वो हमने ये वाला सेलेक्ट स्केल किया था कि 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो मैं जो रीडिंग मेरे पास आएगी मैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 वोल्ट। यानी जो मैंने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है इस सीआरओ में, उसके अकॉर्डिंग जो मैं यूज कर रहा हूँ सप्लाई, वो मेरी 15 वोल्ट की सप्लाई थी। लेट्स सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूँ जी, नॉब को मैंने कर दिया जी एट 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर या 20 वोल्ट पर डिवीजन, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर और 20 वोल्ट पर डिवीजन। तो यार अब क्या होगा, बॉक्सेस तो मेरे पास तीन ही हैं, तो अब मेरे पास 3 × 20 डेट इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो ये सीआरओ में बेसिकली ये आपके पास जो वाई गेन है ना, ये आपका यार ग्राफ में वाई एक्सिस की वैल्यू है। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो 1 सेंटीमीटर इसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर इसके बराबर है, फ्लां इसके बराबर है, और फ्लां इसके बराबर, टींग इसके बराबर है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वोल्टेज आपने कैसे मेजर करनी है। अब हम बात करते हैं जी दूसरी जो चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी थी, ये यहाँ पे वोल्टेज हमने मेजर कर ली, और अब हमने फाइंड करना है जी इसके ऊपर टाइम के, एक वेव का कंप्लीट टाइम पीरियड कितना है। सो टाइम पीरियड बेसिकली आपके पास आएगा किस कंट्रोल से जी, इस कंट्रोल से, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया उन्होंने, टाइम बेस से। सो टाइम बेस से आपको मिलेगा टाइम पीरियड। अब ये कैसे मेजर करना है और इससे फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करनी है वो देखते हैं। अब आपने देखना जी कि एक कंप्लीट वेव कितने टाइम में अपना टाइम इंटरवल कंप्लीट करती है, यानी टाइम पीरियड देखना है। सो एक बॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस में एक वेव अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करती है। तो मेरे पास आ गया जी, अब इसका स्केल जरा देख लेते हैं जी। तो मेरे पास आ गया जी 8 सेंटीमीटर, 8 बॉक्सेस आ गए मेरे पास। यार यहाँ पे वो कह रहा है
आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो मैंने रीडिंग रखी है, इस नॉब के अकॉर्डिंग वो मैंने रखी है जी, जो इसका स्केल है, स्केल रीड करना ज़रूरी है। नॉब है मेरे पास 10 के ऊपर पॉइंटर इसका, सो 10 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, यानी एक बॉक्स की वैल्यू अब मेरी रिप्रेजेंट की जाएगी 10 मिली सेकेंड से इस ग्राफ के ऊपर। तो टोटल मेरे पास कितने बॉक्स आ गए थे, 8 बॉक्सेस आ गए थे, सो 8 इंटू 10 दैट इक्वल टू 80 मिली सेकेंड विल बी इट्स टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड मेरे पास आ गया 80 मिली सेकेंड। तो अब मैंने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, 80 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 सेकेंड्स, क्योंकि मिली सेकेंड्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो 1000 से डिवाइड कर दें, या आप उसको जो उनसे 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना इससे भी ज़्यादा आसान है, 1/T, सो 1/80 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा इसका हर्ट्स में। मैं इसका स्केल चेंज कर देता हूँ, चलो जी मैं इसको ले जाता हूँ बेटे 50 मिली सेकेंड्स पे, इस नॉब को नहीं चलो 20 पे कर लेते हैं, रीडिंग मैंने चेंज कर दी। तो बॉक्सेस तो मेरे 8 ही है ना, सो 8 इंटू 20 डैट इज इक्वल टू 160 मिली सेकेंड्स। तो मिली सेकेंड्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसेस, 160 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स विल बी इट्स टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी आपकी, और यहाँ पे जाके वेव खत्म होगी। तो ये बेसिकली कितने बॉक्सेस आ गए यहाँ पे, 2 बॉक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस में आप देखो, आपके पास ये यहाँ से ये इसकी मेन पोजीशन है, ये यहाँ तक 2 बॉक्सेस बनते हैं, लेकिन ये वेव का एम्पलीट्यूड आपका आ रहा है 1.5 बॉक्स में। सो 1.5 बॉक्स मेरे पास आ गए यहाँ से, इसका स्केल कहाँ पे जी, ये स्केल है वाई गेन, ये वाई गेन, वाई एक्सिस का स्केल हमेशा वाई गेन से शो किया जाएगा या वाई इनपुट से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड इसका 1.5 बॉक्सेस में आया था। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3.0 वोल्ट। अच्छा, अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो एक मेरे पास कंप्लीट वेव कंप्लीट हो रही है जी 2 बॉक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, सो ये मेरे पास आ गया जी वोल्टेज। अब मैंने टाइम पीरियड निकालना है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय स्केल इसका कितना है, ये आप स्केल देख लो जी, 10 इंटू 10 रेस पावर माइनस 3 सेकेंड्स, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 20 इंटू 10 रेस पावर माइनस 3 सेकेंड्स, और एट द एंड मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो वो 1/T से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे भी अब आप देख लें एम्पलीट्यूड आ रहा है कितने बॉक्सेस में, 2 बॉक्सेस में आ रहा है, सो स्केल वाई गेन में देख लें, यहाँ पे अब स्केल चेंज हो गया, सो 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 2 क्योंकि 2 बॉक्सेस में एम्पलीट्यूड है, तो 10 वोल्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो टाइम पीरियड में मेरे पास 1, 2, 3, 4 4 बॉक्सेस आ गए, सो 4 इंटू इसका स्केल कितना है जी 10 मिली सेकेंड, ये टाइम पीरियड का टाइम बेस का स्केल, सो 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, सो इसका आंसर आ जाएगा जी 40 मिली सेकेंड्स, और फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। अगेन दिस वन, ये आ गया जी 1.5 बॉक्स में आपके पास, सो वाई अगेन 10 है, सो 10 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट, एंड 1, 2, 3, 4 अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी आप देख लें, एक्स एक्सिस में आपके पास आ रहे हैं जी 4 बॉक्सेस, 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड, सो 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स आपके पास आ जाएगा जी वैल्यू टाइम पीरियड की। अच्छा, अब कुछ और बातें कर लेते हैं जी। टाइम बेस आपने ऑफ कर दिया, कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं की, तो आपके पास स्क्रीन के सेंटर में डॉट बनेगा क्योंकि आप उसको सिग्नल ही अप्लाई नहीं कर रहे। टाइम बेस आपने ऑन कर दिया, अब वो डॉट इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि वो आपको सिर्फ एक लाइन ही नजर आएगी,
ये डॉट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, तो इतनी स्पीड होगी इसकी एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि जब टाइम बेस आप ऑन करते हैं देन यू विल गेट द एक्स एक्सिस सिग्नल एज वेल। 1.5 वोल्ट ये डीसी है, डायरेक्ट करंट। अभी टाइम बेस आपने ऑफ किया हुआ, यानी एक्स एक्सिस को सिग्नल ही नहीं आप प्रोवाइड कर रहे। स्केल सेलेक्ट कर लिया था 0.5 वोल्ट 1 डिवीजन, तो 3 बॉक्सेस आपके पास आ जाएंगे, ये 3 डिवीजन आ जाएंगे विच विल रिप्रेजेंट द 1.5 वोल्ट। तो ये डॉट आपके पास आ जाएगा जी 3 बॉक्सेस के ऊपर। अगर आप ये वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं तो 2.0 वोल्ट आप कर देते हो, तो ये डॉट आपका फिर चला जाएगा जी 1 बॉक्स और ऊपर चला जाएगा। अगर आप टाइम बेस ऑन कर देते हो तो फिर आपको जब जब भी आपने डीसी अप्लाई करना है, डीसी एंड टाइम बेस ऑफ, सो वी विल गेट ओनली डॉट ऑन स्क्रीन। सेकेंड पॉइंट, जब आपने डीसी अप्लाई किया एंड टाइम बेस इज ऑन, देन वी विल गेट कंटिन्यूअस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये दो पॉइंट्स हो गए जी। और अगर आप वोल्टेज रिवर्स कर देते हो तो फिर डॉट आपका जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और लाइन भी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अच्छा, अब आप आ जाए जी ऑल्टरनेटिंग करंट पे। आपके पास वोल्टेज है जी 20 वोल्ट, 5 आपने कर दिया, तो क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट आपका जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मूव करता है, आपने यहाँ पे टाइम बेस ही ऑफ कर दिया हुआ है, आपने उसको एक्स एक्सिस का सिग्नल ही अप्लाई नहीं किया, तो आपके पास फिर वर्टिकल लाइन आएगी। लेकिन ये कितने बॉक्सेस में ये लाइन रिप्रेजेंट होगी जी? सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4, सो 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस ऊपर चले गए और 4 ही बॉक्सेस आपके मेन पोजिशन से नीचे आ गए, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और जैसे ही आपने इसको टाइम बेस ऑन कर दिया है तो आपके पास साइनोसाइडल वेव या ऑल्टरनेटिंग करंट की वेव इसके ऊपर प्रोड्यूस होगी। और आपके पास है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आपके पास पीक वोल्टेज है जी 5 वोल्ट पर डिवीजन, तो इस तरह आपके पास ये वेव शो होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कर देते हो, वोल्टेज आप सेम रहने देते हो, स्केल आप सेम रहने देते हो, देन व्हाट विल हैपन? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जब आप फ्रीक्वेंसी आपने कर दी हाफ तो टाइम पीरियड आपके पास हो जाएगा डबल, यानी अब एक वेव को डबल, पहले कितने बॉक्सेस में थी? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस में एक वेव आ रही थी, अब 8 बॉक्सेस में एक वेव आएगी। और अगर आप फ्रीक्वेंसी और कम कर देते हो तो यार ये आपके पास ये वेव इस पूरे स्केल के ऊपर शो ही नहीं होगी, क्योंकि वो आउट ऑफ स्केल चली जाएगी। तो एक ये भी पास पेपर का क्वेश्चन आया। अब इसका सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो स्टूडेंट को लगता है जी, ये क्वेश्चन था, आर सी आर ओ इज यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीक वोल्टेज। चलो जी, अब हम देखते हैं जी, स्केल इसका वाई एक्सिस का 5 वोल्ट पर डिवीजन, तो ये एम्पलीट्यूड मेरा ऑलमोस्ट आ रहा है जी, 1 डिवीजन में आपके पास 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये जो लाइन आपके पास आ रही है ना, ये अराउंड 1 बॉक्स के ऊपर, सेकंड बॉक्स अगर आप ड्रॉ करें स्केल रख के इसको जरूर में ये कर लीजिएगा, ये दरम्यान में कहीं आ रही है 7 और 8 के दरम्यान, तो अगर आप इसको 7 ले लेते हैं, 7, सो 5 स्मॉल डिवीजन, 1 स्मॉल डिवीजन आपको रिप्रेजेंट कर रहा था 1 वोल्ट, तो 5 स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट करेंगे जी 5 वोल्ट, और ये मैं अगर इसकी वैल्यू 7 ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 7 वोल्ट। तो मेरे पास वोल्टेज आ गई अकॉर्डिंग टू दिस सेटिंग 7 वोल्ट। अच्छा, अब मैंने देखना है एक्स एक्सिस में, तो मैं पहले देखूंगा कि एक वेव कितने बॉक्सेस में आ रही है, उसके लिए काम क्या करूंगा, मैं देखता हूँ जी ये एक वेव, ये दो वेव, पूरी स्क्रीन के ऊपर कितनी वेव शो हो रही है, 3 लैम्डा, 3 टाइम पीरियड्स आ रहा है इसका, और ये कितने बॉक्सेस में आ रही है जी, 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो तीन टाइम पीरियड या तीन वेव आ रही हैं 10 बॉक्सेस में, तो एक बॉक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो 10/3, तो 3.33 बॉक्सेस में एक कंप्लीट वेव आपकी बनेगी। यानी यहाँ तक आपके पास 3 बॉक्सेस तो क्लियर नज़र आ रहे हैं ना, अब आगे कितनी वैल्यू आनी है, 3.33। तो अब उसको स्केल से मल्टीप्लाई कर दो यार ये जो गिवन है, तो ये मेरे पास बन जाएगा जी टी डैट इक्वल टू 3.33 × 2, तो मेरे पास आ जाएगा जी 6.66 × 10⁻³ सेकेंड्स। इसका आंसर आता है, फ्रीक्वेंसीज की निकालनी है 1/T से, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेट मी चेक, अगर मेरे पास कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर मिल गया है मुझे, सो 6.66 × 10⁻³, ये टाइम पीरियड था जी इसका, इसका स्केल कितना था जी 2 मिली सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है 150 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है जी 150 हर्ट्स। यहाँ पे वैल्यूज जो चाहिए थी वो हमने लिख लिया जी, 7 वोल्ट, 6.66 × 10⁻³, फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई 150 हर्ट्स। अब ये पार्ट कहता है जी फ्रीक्वेंसी आपने कम कर दी, यानी 10 टाइम्स कम कर दी। तो यार जब फ्रीक्वेंसी आप कम करोगे तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। पहले आपके पास वेव आ रही थी कितने बॉक्सेस में, 3.33, अब वेव कितने बॉक्सेस में आएगी, 33.3 बॉक्स में। तो यार क्या वो वेव आपके पास ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर शो होगी, उसका तो बस एक फ्रैक्शन ही आपका वो शो होगा, बाकी वेव क्योंकि वो आपकी वो जाके वहां से वो 33 बॉक्सेस तक जानी है, तो आपके पास तो बॉक्स ही जो है वो 10 शो हो रहे हैं, सो फ्रैक्शन ऑफ वेव विल बी रिप्रेजेंट ऑन दिस। आई होप सो आपको ये चीज़ें अब समझ आ गई होंगी सीआरओ से रिलेटेड। कल मैं इंशाल्लाह इसके पास पेपर के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज उसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।